चलो स्टार्ट करते हैं अभी. आई विल नॉट वेट बिकॉज द डे हैज टू गो. आई होप विद अ वार्म वेलकम एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आई वुड लाइक टू थैंक ऑल हु आर प्रेजेंट हियर टुडे. आई फील टुडे विल बी अ प्लेजेंट डे फॉर यू एंड लेट्स स्टार्ट a fresh start and just revise what we have done earlier. So I have some few questions in my mind. आप लोगों को अनम्यूट करके मुझे बताना है, मेरे डाउट्स को क्लियर करना है. ओके, सम फ्यू क्वेश्चंस आर देयर. ओके, सो आई लास्ट क्वेश्चंस, आई टाइप दोज क्वेश्चंस फॉर यू ऑल ऑफ यू नोटपैड में, सो दैट आवर कम्युनिकेशन रिमेन्स विथ ऑल ऑफ यू इफ यू आर रिकॉर्डिंग द सेशन. Now, first question in my mind is, what is a programming language? Okay, so what you can say, what is a programming language? We can say it is a set of instructions or environment which allows us to write a code, or we can say program, which performs specific task. So programming language का मतलब क्या होता है? It's a platform or set of instructions or an environment which allows us to write a code. मैं इधर डालता हूँ, allows us. Us means what? We are a developer. So it allows us to write a code, or we can say program, which performs specific task. Task कुछ भी हो सकती है, like temperature conversion है, फिर एरिया ऑफ सर्कल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, बहुत कुछ है, एनीथिंग इट कुड बी. सो अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी हैव अंडरस्टूड. अभी मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया ऐसे दोस्तों, इज देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? Can you say what is the difference between a programming language and a scripting language? ये कल डिस्कस नहीं हुआ था अपने साथ. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है वो अपने को समझ में आ गया है अभी, बराबर है? तो आपको क्या लगता है कि what is a scripting language? Is there any difference between a programming language and a scripting language? कैन यू से देर इज अ डिफरेंस? रिस्पॉन्ड करो यार, तभी मुझे समझेगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है. दीज आर ऑल वाइवा क्वेश्चन. संकेत कुछ बता सकते हो इसके बारे में मुझे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में कुछ डिफरेंस है? संग्राम, हम लोग जावा स्क्रिप्ट लर्न करने जा रहे हैं. हाँ बोलो 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 बेटा. हेलो. हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज अ कंपाइलर टू हाई प्रोग्रामिंग लेवल. स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज टू इंटरप्रेटर. वेरी गुड वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा. क्यों मालूम है? सी, आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंटरप्रेटर और कंपाइलर के कंसेप्ट के साथ डाल रहे हो ना, एकदम बहुत अच्छा लगा मुझे. क्यों मालूम है? सी, इंटरप्रेटर में लैंग्वेज बैकग्राउंड में होनी चाहिए, बराबर है? आपके पास अगर लैंग्वेज बिल्ट इन है, अभी मेरे को बताइए जावास्क्रिप्ट कहाँ बिल्ट इन है? वेयर द जावास्क्रिप्ट इज बिल्ट इन?
ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम लोग ऐसा सोचते हैं, जावास्क्रिप्ट कहाँ बिल्ट इन होती है, या हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है क्या कंप्यूटर पे? नहीं इंस्टॉल करनी पड़ती है, जावास्क्रिप्ट इज बिल्ट इन इन द प्रोग्राम कॉल्ड ब्राउजर. कोई भी ब्राउजर ले लो, इंटरनेट एक्सप्लोरर है तुम्हारा, नेटस्केप नेविगेटर है तुम्हारा, मोजिला फायरफॉक्स है तुम्हारा, ओपेरा है तुम्हारा, यूसी ब्राउजर है, कोई भी ब्राउजर ले लो. इस ब्राउजर के अंदर जावास्क्रिप्ट नाम की लैंग्वेज ब्राउजर के अंदर ही रहती है, तो हमें इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती है दोस्तों. और ये एकदम सही कहा इसने कि हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को इंटरप्रेटर बेस कहेंगे. आर ऑल इंटरप्रेटर बेस, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बिल्ट इन होता है ब्राउजर के अंदर एंड दे आर ऑलवेज डज वॉट इंटरप्रेटर में. हाँ, इंटरप्रेटर का मतलब क्या है, एक लाइन देखा कोड का, आपने पहला लाइन लिखा जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम का, तो वो जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम की पहली लाइन रीड करेगा, फिर उसको मशीन कोड में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा. सी हाउ इंटरप्रेटर वर्क्स, व्हाट इट डज, इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स प्रोग्राम बाय लाइन बाय लाइन. एवरी टाइम इट एग्जीक्यूट्स इन अ कंप्यूटर हार्डवेयर लैंग्वेज, और वी कैन से मशीन लैंग्वेज. यानी हमारा जो जावास्क्रिप्ट है ब्राउजर के अंदर बिल्ट इन है दोस्तों, ये इंटरप्रेटर है. मैंने आपको तो बताया था कि मैं रशिया में गया तो मेरे साथ एक इंटरप्रेटर है, जब भी मैं कुछ बात करूंगा मेरे लैंग्वेज के अंदर, तो वो इंटरप्रेटर का जॉब क्या रहेगा कि वो मेरे लैंग्वेज को कन्वर्ट करके किसको दे देगा, सामने जो रशियन पर्सन है उसको दे देगा. तो ही विल कन्वर्ट माई एवरी लाइन इन टू रशियन लैंग्वेज लाइन बाई लाइन. वॉट एवर आई वॉन्ट टू से ही इज गोइंग टू से द सेम थिंग इन अ रशियन लैंग्वेज. सो इधर कैसा होता है कि वेन यू टॉक टू योर कंप्यूटर टू परफॉर्म सम टास्क, यू हैव टू टेल एवरी थिंग इन अ मशीन लैंग्वेज, एंड एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल दैट यू कन्वर्ट एवरीथिंग. सो देर इज एन एनवायरमेंट इन अ बैकग्राउंड विच रन्स इन टू योर ब्राउजर विच इज नोन एज वॉट, जावास्क्रिप्ट, विच टेक्स योर लाइन एज एन इनपुट and converts that line according to its own language. See, every programming language has got grammar. Its own grammar. We call it as syntax. Syntax means what? The way the sentences can be written. Can be understood by programming environment. यानी आपको कोई सेंटेंस लिखना है तो देर इज अ वे टू राइट दैट सेंटेंस. In every language, the way of writing changes. So, my browser, my JavaScript, understands certain commands, and that commands are to be written in a specific format. That format of writing is known as syntax. वो format को हम लोग क्या बोलते हैं? Syntax बोलते हैं. और वो format जब हम specific way में लिखेंगे तो ही हमारे मशीन को क्या होगा, समझेगा. अगर आपने उसमें थोड़ा भी गलती किया दोस्तों, तो आपके सेंटेंस को आपका कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, और फिर वो एरर मैसेज करके आपको क्या करेगा, मैसेज दिखाएगा, या तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ
स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे फीचर्स एडिटिव रहते हैं, वेर अबाउट सम लिमिटेड फीचर्स आर देयर इन अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. तो आज हमें क्या पता चला, लिमिटेड फीचर विथ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. नॉट ऑल फीचर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी थोड़ा सा ऐसा है कि आपको एक लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए जो देयर एंड देयर इटसेल्फ. देखो मेरा एचटीएमएल पेज किधर रहता है, ब्राउजर के अंदर रहता है, ब्राउजर के अंदर उसका आउटपुट मुझे दिखाई देता है, पर मुझे कुछ वैलिडेशंस करना है तो आई विल राइट द कोड देयर एंड देयर इटसेल्फ. आई नीड नॉट हैव टू इंस्टॉल एनी लैंग्वेज बिकॉज माई जावास्क्रिप्ट इज बिल्ट इन इनटू द ब्राउजर इटसेल्फ. सो अभी आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है. फाइन, अभी मैं सोच रहा हूं कि कल मैंने आपको बताया था कि देर आर सम टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, और वो टाइप में मैंने आपको कुछ ऐसा बताया था, इंट, फ्लोट, कैर. इनको हम लोग कौन सा टाइप ऑफ डेटा टाइप बोलते हैं दोस्तों? प्रिमिटिव डेटा टाइप. ओके, फिर हमने कुछ और डेटा टाइप देखा था जिसको हम लोग क्या कह रहे थे, ऑब्जेक्ट. और उसको मैं कैसे डेटा टाइप बता रहा हूं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. ओके, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. क्यों ऐसा मैंने बोला दोस्तों? बिकॉज ऑब्जेक्ट हैज टू पार्ट्स. One is what? Data. And second one is what? Function. दूसरा क्या है? एक डेटा होगा और एक फंक्शन होगा. फिर मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया था, वॉट इज क्लास. क्लास को आप क्या बोल सकते हो? तो मैं बताता हूं आपको, इट इज अ डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट. और वी कैन से डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग विथ द मेथड्स. मेथड्स मीन्स वॉट? फंक्शंस. विच वर्क ऑन डेटा. सो एकदम क्लास का मतलब क्या होता है, इट इज अ डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट. और वी कैन से वी आर डिस्क्राइबिंग एन ऑब्जेक्ट इन साइड दैट अलॉन्ग विथ वॉट? मेथड्स. वी कॉल देम फंक्शंस एज वॉट? मेथड्स विच वर्क ऑन दैट डेटा. सो इधर हमने एक फीचर इनकॉर्पोरेट किया, दैट इज डेटा सेफ्टी. यानी अगर मेंबर डेटा है, the data defined in class is a member data and the function defined in class is member function. ये पहले स्क्रीनशॉट कर लो दोस्तों, सबका स्क्रीनशॉट हो गया कि मेरे को बताओ. ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपके दिमाग में एक बार आपने लिख दिए तो आप लोग मुझे हमेशा याद रखोगे. सो हमारे पास एक बात हमको समझ में आ गई कि हमारे पास ऑब्जेक्ट एक ऐसा चीज है जिसको हम लोग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहेंगे, और उसमें दो पार्ट्स आते हैं, एक पार्ट आता है डेटा का और दूसरा पार्ट आता है फंक्शन का. अब इसमें जो डेटा रहेगा वो डेटा कैन बी मैनिपुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस विच आर डिफाइंड इनटू द क्लास. कोई आउटसाइडर डेटा को देख नहीं सकता या उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता. ओनली द मेंबर फंक्शंस कैन मैनिपुलेट द डेटा.
Sir, your screen is not visible. Screen is not visible. Oh my God. Let me check. Yes, sir. Okay, okay. यार अच्छा हो गया तूने जल्दी बोल दिया, स्क्रीन से स्क्रीन शेयरिंग किया ही नहीं था। ओ गॉड। ये ले लो, अभी दिखा सबको? यस सर, इट इज विजिबल राइट। हाँ अभी अभी जरा स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बिकॉज दीज आर ऑल मेन पॉइंट्स वेर एवर यू गो एंड लर्न सी सी प्लस प्लस और वेर एवर यू गो एंड लर्न एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, दीज आर द बेसिस ऑफ दोज लैंग्वेजेस। सो अ मेंबर फंक्शन कैन ओनली एक्सेस और मैन्यूपुलेट डेटा। इससे क्या हो गया कि मैं अगर मेंबर नहीं है वो क्लास का, या मैं डिफाइंड नहीं है क्लास के अंदर और मैं आउटसाइड फंक्शन है, मैं डेटा को देख भी नहीं सकता है और मैं डेटा को मैनिपुलेट भी नहीं कर सकता है। अब आप लोगों को ना ये डेटा ये फंक्शन बनाने नहीं है दोस्तों, डरने का नहीं, ये सब प्रीबिल्ट है हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर, खाली आपको उनको यूज करना है। और फिर इसका मतलब आपको, अगर आप देखते हो कि व्हेन यू वांट टू शो योर आउटपुट, शो इट इन, यू शो द आउटपुट ऑन स्क्रीन इन सम विंडो, तो जावास्क्रिप्ट ने विंडो को ऑब्जेक्ट बनाया, बराबर है? अभी उसके अंदर मेरे को कुछ लिखने का है तो मैं किसके अंदर लिखेगा? तो देखो, हाँ विंडो मेरा ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर ये मेरा पैरेंट है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनेगा। देखो हाँ, विंडो पैरेंट है, उसके अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट बनेगा? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट विच इज अ चाइल्ड, और वो डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं कुछ लिखूंगा। सो अ मेथड इज नोन एज राइट। कौन सा मेथड है? राइट। ये फंक्शन है मेरा, विल हेल्प मी राइट डेटा ऑन डॉक्यूमेंट टू शो द यूजर आउटपुट। तो मैं क्या करेगा, विंडो मेरा पैरेंट ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सा मेथड है? राइट मेथड है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट। यानी आपने विंडो ऑब्जेक्ट का डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का राइट मेथड यूज किया। तो जनरली क्या होता है कि पैरेंट ऑब्जेक्ट ऑलवेज एक्सिस्टिंग रहता है, आपको जावास्क्रिप्ट में इतना ही लिखना पड़ता है आउटपुट चाहिए तो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इससे क्या कर रहे हो आप, लिखने की कोशिश कर रहे हो आपके विंडो के अंदर एक डॉक्यूमेंट है उसको। अभी आप विंडो अगर डिफाइन करोगे, बराबर है, तो उसमें क्या क्या रहेगा दोस्तों? विंडो के अंदर आप क्या क्या देखते हो? अगर मैं विंडो ऑब्जेक्ट ले लूं, विंडो को टाइटल बार रहता है ब्लू कलर का, फिर स्क्रोल बार रहता है, बराबर है? फिर क्या रहता है? मिनिमाइज बटन रहता है, हाँ, फिर स्टेटस बार रहता है, स्टेटस बार, या टैग्स बार, बराबर है? फिर मैक्सिमाइज बटन रहता है, और क्या रहता है उसको? एक हाइट रहती है, हाँ, और उसको एक क्या रहती है? विड्थ रहती है, बराबर है ना? जब भी आपको कोई भी विंडो दिखता है, ये विंडो ऑब्जेक्ट है हाँ दोस्तों, उसके अंदर क्या क्या है देखो, टाइटल बार है, स्क्रोल बार है, फिर उसके अंदर बटन भी है, स्क्रोल बार के अंदर क्या है? बटन है और स्लाइडर है,
बराबर है, तो ये स्लाइडर भी एक ऑब्जेक्ट है। यानी एक रियलिस्टिक विंडो आपके सामने, नजर के सामने खड़ा हो जाता है, जिसको एक टाइटल बार है, एक स्क्रोल बार है, स्क्रोल बार के अंदर स्लाइडर है, यानी स्क्रोल बार का एक ऑब्जेक्ट कौन सा है, स्लाइडर है। फिर मिनिमाइज बटन है, मैक्सिमाइज बटन है आपके, और फिर क्या है देखो, स्टेटस बार है आपके विंडो के अंदर। इसका मतलब ये सारे ऑब्जेक्ट्स यानी फीचर्स जब भी आप यूज करते हो, तो वो कौन से ऑब्जेक्ट के रहते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के। अब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट सॉरी विंडो ऑब्जेक्ट के, और विंडो ऑब्जेक्ट के जो मेथड्स और प्रॉपर्टीज है वो कौन यूज करता है, देखो डॉक्यूमेंट भी यूज करता है। यानी अभी इधर टाइटल बार डॉक्यूमेंट का हो सकता है, टाइटल बार स्क्रोल बार डॉक्यूमेंट का हो सकता है, मिनिमाइज बटन डॉक्यूमेंट का हो सकता है। मल्टीपल डॉक्यूमेंट ओपन करते हो ना आप लोग, तो हर डॉक्यूमेंट के साथ आपको मिनिमाइज बटन मिलता है, टाइटल बार मिलता है, मैक्सिमाइज बार मिलता है, हर एक एक विंडो के अंदर भी ओपन हो सकता है। इसका मतलब आप जब भी चाहिए तभी ये डेटा डेफिनेशंस एक बार जावास्क्रिप्ट ने लिख के दिया है आपको, आपको एक बार लिख के देने के बाद जब चाहिए तब आप इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो दोस्तों। सो इस तरह से ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए अभी आपको एक थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया है कि हम किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। अभी दोस्तों हम लोग थोड़ा सा ना थियोरी बात करने से अच्छा एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात कर लेते, कि आपको अभी बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे कि सर अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट का प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहली बात है, मेरे को जावास्क्रिप्ट में अगर प्रैक्टिकल करना है तो मेरे को नोटपैड यूज करना पड़ता है। मैं इसको सेव कर देता हूं। और मैं नया एक फाइल बनाता हूं, देखो कितना इजी है, मैं नोटपैड में जा रहा हूं, नया फाइल बना रहा हूं। जब भी आपको जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ता है ना, तो आप लोग पहले लिखते हो डॉक टाइप HTML। क्यों? ऐसा क्यों लिखने का दोस्तों? बिकॉज जावास्क्रिप्ट इज नथिंग बट एन इंसर्शन इनटू अपना, इट कैन बी इंसर्टेड इनटू HTML फाइल। सो जावास्क्रिप्ट कैन बी इंसर्टेड इनटू HTML फाइल, ये याद रखो। तो इसके लिए मैं पहले डॉक टाइप HTML लिखता हूं, और फिर उसको कहाँ लिखने का, मेरे को जावास्क्रिप्ट को, तो मैं जावास्क्रिप्ट को हेड सेक्शन में लिख सकता हूं, यहां पर हेड के बाद क्या आता है दोस्तों, कोई मेरे को बताएगा? टाइटल। टाइटल में हम लोग ने लिखा हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है ये, फिर स्लैश टाइटल क्लोज किया, और फिर स्लैश हेड को क्लोज किया। अभी आज मैं आपको जो प्रोग्रामिंग बताऊंगा ना, मैं अभी हेड में लिखूंगा नहीं, मैं जावास्क्रिप्ट को लिखूंगा बॉडी सेक्शन में। सो मैंने बॉडी लिखा, ओके। फिर इधर एक प्रोग्राम लिखने के लिए जावास्क्रिप्ट का मेरे को एक लाइन लिखना पड़ेगा, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट। ओके और फिर ये लाइन लिखने के बाद मैं एक ब्रेसेस ओपन करूंगा यहां पर ऐसे। क्यों दोस्तों? बिकॉज ये ब्रेसेस से स्टार्ट होगा, तो बताएगा कि ब्रेसेस जहां एंड होएगा वहां पर वो प्रोग्राम क्या होने वाला है, एंड होने वाला है। अभी इसके बीच में मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिखूंगा। मेरे को करना क्या है दोस्तों, कि दो वैल्यूज लेने हैं और उन वैल्यू को ऐड करके उसका रिजल्ट दिखाना है आपको, बराबर है ना? तो अभी सिंपली मेरे को एक वैल्यू लेने के लिए एक कंटेनर तो लगेगा, इसका मतलब कुछ मेरे पास वैल्यू होल्ड करने के लिए कुछ चाहिए। तो उसके लिए मैं यहां पर वेरिएबल डिफाइन करूंगा, और उसका डेटा टाइप क्या रखूंगा, मैं वेरिएंट डेटा टाइप रखूंगा। तो मैं लिखूंगा वैर वेरिएंट, इट इज नोन एज
कॉमा बी, ऐसे मैंने लिख दिया। अभी मेरे को दो लोग तो लगेंगे ना, अगर मेरे को एडिशन करने तो मैं एक वेरिएबल के साथ थोड़ी एडिशन कर सकता हूँ, मेरे को मिनिमम दो लोग लगेंगे यहाँ पर। तो एक वेरिएबल का नाम मैंने क्या रखा ए, और दूसरे वेरिएबल का नाम क्या मैंने रखा बी। फिर इसके बाद देखो, बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको कि हाँ मुझे सेमीकोलन देना चाहिए। तो जावास्क्रिप्ट में अगर लाइन एंड होती है तो लाइन के एंड में हमें सेमीकोलन देना पड़ता है। ओके, अभी मैंने वेयर ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा ना दोस्तों, मैंने कंपाइलर को नहीं, इंटरप्रेटर को बताया कि मेरे पास दो वेरिएबल है और वो कौन से टाइप के, वेरिएंट टाइप के है। सो दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। इसको हम लोग वील कॉल दिस स्टेटमेंट एज अ डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। ये क्यों जरूरी है? बिकॉज मेरे को दो वैल्यू होल्ड करना है तो मेरे को दो कंटेनर चाहिए, और वो कंटेनर कौन से टाइप के है, वेरिएंट टाइप के। अभी दोस्तों व्हाट इज अ वेरिएंट टाइप? जब भी आप कोई डेटा स्टोर करोगे तो उसकी डेटा टाइप डिफाइन होगी। यानी मेरे को इंटीजर स्टोर करना है तो मैं फ्रैक्शनल नंबर नहीं यूज करूंगा, मैं नॉन फ्रैक्शनल नंबर यूज करूंगा। अगर मेरे को फ्लोट स्टोर करना है तो मैं फ्रैक्शनल नंबर यूज करूंगा। तो मेरा कंटेनर को मेरे को डिफाइन करना पड़ता था बहुत सारे लैंग्वेजेस के अंदर कि ये इंटीजर है, ये फ्लोट है। जावास्क्रिप्ट में मेरे को थोड़ा फ्रीडम मिल गया कि मैं वेरिएंट डिफाइन करूंगा जावास्क्रिप्ट को, उसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर करूंगा उस टाइप का वेरिएबल वो बन जाएगा। ओके, सो फॉर एग्जांपल अभी इधर मैंने यहां पर देखो ये डबल लाइन मार के कुछ लिखा है, दिस इज नोन एज कमेंट। ये सिंगल लाइन कमेंट है, ये मैंने मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, ये प्रोग्रामिंग के अंदर आएगी नहीं ये लाइन। दिस आर नोन एज कमेंट्स। द कमेंट्स आर नॉट डिस्प्लेड इन अ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। ओके, अभी सपोज मैंने ऐसे लिखा इधर ए इज इक्वल टू फाइव, सॉरी कॉमा बी इज इक्वल टू सिक्स लिखा, फिर सेमीकोलन दे दिया। अभी इधर मैंने क्या किया, व्हाट आई हैव डन इज आई हैव असाइंड द वैल्यू टू ए एंड बी। आई हैव असाइंड द वैल्यू टू ए एंड बी। अभी मेरे को उनको ऐड करना है दोस्तों, बराबर है? तो मेरे को और एक वेरिएबल लगेगा दोस्तों यहां पर। सपोज मैंने ऐसे लिखा, इधर कॉमा देने के बजाय मैंने ऐसे लिखा, दिस कुड बी अ गुड प्रैक्टिस। सो मैंने इधर असाइन किया वैल्यू टू ए एंड बी। ओके, इधर भी सेमीकोलन दे देता हूं दोस्तों, ताकि ए एक लाइन में डिफाइन किया, बी एक लाइन में डिफाइन किया। उसके बाद मैंने क्या किया, C इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखा, C इज इक्वल टू ए प्लस बी। अभी क्या हो गया रहेगा, पांच और छह का एडिशन हो जाएगा और जो भी आंसर आएगा दोनों इंटीजर है, तो इंटीजर प्लस इंटीजर का रिजल्ट क्या रहेगा, इंटीजर ही रहेगा। इंटीजर प्लस फ्लोट यानी फ्रैक्शनल नंबर, तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा, फ्रैक्शनल रहेगा। दोनों में से कोई भी एक ऑपरेटर फ्रैक्शनल रहेगा, रिजल्ट क्या आएगा, फ्रैक्शनल आएगा। सो वी नीड नॉट हैव टू बॉदर, द लैंग्वेज टेक्स केयर कि हु इज गोइंग टू बी एन इंटीजर, हु इज गोइंग टू बी ए फ्लोट। इंटीजर प्लस इंटीजर क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। इंटीजर प्लस फ्लोट क्या आएगा, फ्लोट आएगा रिजल्ट, इंटीजर नहीं आएगा। फ्रैक्शनल और नॉन फ्रैक्शनल नंबर को ऐड करेंगे तो फ्रैक्शनल ही रिजल्ट आएगा। सो वो हमको बॉदर नहीं करने का है, वो अपने आप डिसाइड करेगा कि डेटा टाइप इंटीजर और इंटीजर है, तो आंसर भी क्या दिखाएगा, इंटीजर में ही बताएगा। अभी हम लोग यहां पर आउटपुट दिखाने के लिए यूजर को लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट सी। ओके, और फिर ये काम खत्म हो गया तो मेरा ब्रेसेस में यहां पर क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। तो ये ब्रेसेस लिखना मेरे लिए कंपलसरी है। अगर आपने स्टार्टिंग ब्रेसेस लिखा और एंडिंग ब्रेसेस नहीं लिखा तो जावास्क्रिप्ट एरर मैसेज बताएगा, आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। अभी स्क्रिप्ट खत्म हो गई तो ये कैसे समझेगा, हमें इधर लिखना पड़ेगा स्लैश स्क्रिप्ट, फिर बॉडी क्लोज करना पड़ेगा स्लैश बॉडी, और फिर यहां पर क्या बोलना पड़ेगा स्लैश एचटीएमएल।
दैट्स ऑल. अभी पहला प्रोग्राम मैंने लिखा, मैंने क्या क्या किया दोस्तों, वंस अगेन मैं रिवाइज करूंगा कि पहले मेरे को पता है कि जावा स्क्रिप्ट हम एचटीएमएल पेज के अंदर लिखते हैं, इसके लिए एचटीएमएल पेज ही बनाया. पहले मैं जावा स्क्रिप्ट को हेड में लिख सकता था, पर मैंने हेड में नहीं लिखा. मैंने क्या किया, ये जावा स्क्रिप्ट का ये प्रोग्राम मैंने बॉडी में लिखना शुरू किया. तो मैं जावा स्क्रिप्ट किधर लिख सकता हूँ, आइदर हेड में लिख सकता हूँ या तो बॉडी में लिख सकता हूँ. ओके. अभी लिखना कैसे, कि बॉडी के अंदर आने के बाद आपको लिखना पड़ेगा स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट. फिर हमको वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे, कौन से टाइप के, वो डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है. इसके लिए मैंने कीवर्ड क्या यूज किया, इधर वैर. पहले वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर किया यानी असाइन किया 5, दूसरे वेरिएबल में वैल्यू असाइन किया 6, और फिर मैंने इक्वेशन लिखा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी. ए प्लस बी होने के बाद इधर एडिशन परफॉर्म होगा, और वो एडिशन कौन से वेरिएबल में स्टोर होगा, सी में. ओके. मैं इधर एक लाइन ऐड करता हूं. द एडिशन ऑफ ए एंड बी, डबल कोट्स फिर क्लोज. इधर भी गड़बड़ नहीं करने का, डबल कोट ओपन किया तो डबल कोट क्या करने का, क्लोज करने का. फिर इसको इधर मैंने सेमी कोलन दे दिया, इधर भी मैंने सेमी कोलन दे दिया इस तरह से, और फिर स्क्रिप्ट लिखा और फिर बॉडी लिखा और एचटीएमएल. अभी इसको सेव कैसे करेंगे दोस्तों, तो मैं बोलेगा फाइल सेव एस, और यहां पर मैं फाइल सेव एस करने के बाद बाय डिफॉल्ट इधर टेक्स्ट बताता है, मैंने इसका नाम दिया वन डॉट एच टी एम एल, या इसको मैं वन प्रोग्राम वन ऐसे लिखता हूं. और ऑल फाइल्स बोल के स्टोर करता इसको, सेव हो गया ये. अभी इसका एग्जीक्यूशन हम लोग देखेंगे दोस्तों. लेट्स गो या गो टू दैट पर्टिकुलर फोल्डर, उसके अंदर देखो मैंने प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट में लिखा है प्रोग्राम वन, इसको डबल क्लिक करो, इसका आंसर आपको ब्राउजर में मिल जाएगा. कितना आंसर आना चाहिए दोस्तों, 11. ओके. अगर मुझे प्रोग्राम में कुछ चेंज करना है तो मेरे को किधर आके चेंज करना पड़ेगा दोस्तों, वापस कोड में जाएगा, मैं कोड में इधर चेंज करेगा. फिर इसको सेव करेगा विद द सेम फाइल नेम. फिर अभी यहां पर आएगा और मैं क्या करेगा, रिफ्रेश मारेगा इसको. चेंज हो गया आंसर. सो अभी आपको थोड़ा सा एक आउटलाइन आइडिया आया कि जावास्क्रिप्ट अगर लिखना है तो मुझे किस तरह से लिखना है. देर इज अ वे ऑफ राइटिंग, एंड दिस वे ऑफ राइटिंग इज नोन एज वॉट, सिंटेक्स. मैं कैसे किधर कुछ भी लिखा तो नहीं चलता है. देर इज सम मेथड, there is some method, by that method you should write all these lines. अभी दोस्तों ये प्रोग्राम पहले स्क्रीनशॉट कर लो सब लोग, स्क्रीनशॉट होने के बाद मेरे को बताओ. एक मिनट. हाँ, कोई भी एक जन अनम्यूट करके बता दो कि स्क्रीनशॉट हो गया करके. हो गया स्क्रीनशॉट.
मेरी आवाज सबको जा रही है ना? ओ गॉड, ये ले लो स्क्रीनशॉट। अच्छा, प्रोग्राम समझ में आया सबको? सबको प्रोग्राम समझ में आया? यस सर, गॉट इट। यस सर। कल के लेक्चर्स में धीरे धीरे हम लोग आगे के भी बहुत सारी चीज लर्न करेंगे हमेशा। ओके, सो अभी मैं आपको शो द आउटपुट। हाँ देखो, ये ऐसे आउटपुट दिखेगा। हाँ एक मिनट, इसको मिनिमाइज कर देता हूं। जावास्क्रिप्ट का ये प्रोग्राम है, ऐसे दिखेगा। ओके, अभी आपको लगा कि कोड में अपने को चेंज करने का है। हमने कोड में इधर जाके चेंज किया, सपोज इधर 12 कर दिया, इसको फाइल सेव बोला। ओके, और फिर इधर आके हमने खाली रिफ्रेश मारा, क्या हो जाएगा? आंसर चेंज हो गया। सिंपल प्रोग्राम किया है कि दो नंबर लिया और उनको क्या किया, ऐड किया।